बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम। और ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। लास्ट लेक्चर में हमने 15 लेक्चर जो हमारा लास्ट हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का आपको पता होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। और डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, और ये मिलके एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसका काम क्या है ये भी हमने पढ़ा था कि डीबीएमएस यूज टू क्रिएट मेंटेन एक्सेस डीबी इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि डीबी को, डीबीएमएस डीबी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, एक्सेस करवाता है अच्छे तरीके से। तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस, ज्यादा खर्चा डीबीएमएस। DBMS कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और इसका महंगापन ये इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज है। किसी चीज का महंगापन तो हमारे लिए नुकसान हो गया। DBMS कॉस्टली होता है क्यों? बिकॉज DBMS इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हैवी सॉफ्टवेयर, बड़ा पेचीदा सॉफ्टवेयर है, हैवी सॉफ्टवेयर है। और बड़ा सॉफ्टवेयर होने की बिना पे ये महंगा है, बड़ा सॉफ्टवेयर होने की बिना पे ये महंगा है। जितने भी डीबीएमएस होते हैं हैवी होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और वो मिलके एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है डीबीएमएस। विंडो की एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी, विंडो भी डीबीएमएस में आता है। विंडो में बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं मिलके एक बहुत बड़ा डीबीएमएस बनाया है विंडो। हाँ, बैंक्स देख ले, बैंक्स ने भी डीबीएमएस के थ्रू अपने डीबी को कंट्रोल किया हुआ है, डेटाबेस को। तो लार्ज सॉफ्टवेयर होता है, हैवी सॉफ्टवेयर होता है, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, जिसकी वजह से ये महंगा मिलता है, बनता है। और इसका भी महंगापन होना ये नुकसान है, डिसएडवांटेज है, हैवी होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से ये महंगा पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हायर हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर का खर्चा ज्यादा होता है, एक बात याद रखनी है, हैवी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हैवी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर हैवी होगा तो हार्डवेयर भी हैवी होने चाहिए। अंदर पे हम देखते हैं कि बाद कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी टाइप के होते हैं और आम कंप्यूटर पे वो नहीं चल रहे होते। क्यों नहीं चल रहे होते? क्योंकि वो जो हार्डवेयर है ना उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते। तो हैवी सॉफ्टवेयर को चलाना है ना तो हार्डवेयर भी हैवी चाहिए। हार्डवेयर में दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक उसने भी ये बात बताई है, मेमोरी और प्रोसेसर। मेमोरी में ये रैम एंड रोम, प्रोसेसर सीपीयू, ये हैवी होने चाहिए। मेमोरी और प्रोसेसर हैवी ज़्यादा, क्योंकि किसी भी हैवी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसकी वर्किंग करवाने के लिए सॉफ्टवेयर को
वो दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्किंग के लिए, प्रोसेसर और मेमोरी। अब हैवी हार्डवेयर वो महंगे पड़ते हैं। हाँ, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक प्रोसेसर है लो कैपेसिटी का, ठीक है, 1.1 गीगाहर्ट्ज का है, और एक प्रोसेसर है 3.7 गीगाहर्ट्ज, तो वो 1.8 वाला महंगा होगा या 3. समथिंग वाला महंगा होगा? 3. समथिंग वाला ज़्यादा महंगा होगा। एक रैम है 2 GB की, दूसरी साइड पे रैम है वो 4 GB की, चाहे 2 GB की हो के 4 GB की हो, तो वो महंगी कौन सी पड़ेगी? वो 4 GB वाली। तो हैवी हार्डवेयर महंगे पड़ते हैं। अब ये DPMS का ये भी हमें नुकसान है कि हमने DPMS चलाना है, DPMS क्योंकि हैवी है इसके लिए हमें हार्डवेयर भी हैवी चाहिए, जिसमें प्रोसेसर और रैम है, ये हैवी टाइप के चाहिए, तो हैवी हार्डवेयर महंगे पड़ेंगे, तो ये अलग से खर्चा पड़ जाता है कंपनी को, इदारे को, और ये भी एक मसला है, प्रॉब्लम है, ये खर्चा हार्डवेयर का अलग से होता है। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, अब DBMS क्योंकि हैवी टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए हर एक बंदे का काम नहीं है कि इसको चला सके, यूज कर सके, संभाल सके। DBMS को चलाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल स्टाफ में तीन, याद रखना, तीन किस्म के खास तौर पे बंदे जरूरी हैं। एक तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो पूरे सिस्टम का मालिक भी हो सकता है उसको चलाने वाला। एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो एक लाइक का मैनेजर कोऑर्डिनेटर के तौर पे, मतलब एक प्रिंसिपल के तौर पे है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर आल्सो नोन एज ये जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोग्रामर, सिंपली प्रोग्रामर भी कह सकते हैं। ये तीन किस्म के पर्सन, इनको कहते हैं टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल स्टाफ। इसकी जरूरत लाजमी होती है क्योंकि DBMS आम बंदा तो नहीं चला सकता। अब ये तीन बंदे जो हम हायर करेंगे, ये मुफ्त में तो हायर नहीं होंगे, और ना ही कोई आम सैलरी लेंगे, इनको सैलरी पे ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि ये टेक्निकल किस्म के बंदे होते हैं, काबिल बंदे होते हैं। अब DBMS को चलाने के लिए ये तीन बंदे लाजमी चाहिए, हाँ, तो फिर इनकी सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है, ज़्यादा लेते होते हैं, तो ये भी हमारे ऊपर एक बोझ होता है कि DBMS को अगर हमने चलवाना है, इस्तेमाल करना है, तो ये टेक्निकल स्टाफ जिसमें ये तीन बंदे आते हैं, इनको हायर करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक और बर्डन हो गया, और ये भी डिसएडवांटेज में आता है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ स्टॉक ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देनी है। टेक्निकल पर्सन हमने हायर कर लिए, ठीक है, जो मेन होंगे, कंट्रोल करेंगे, बाकी स्टाफ तो है। अब ये सारा DBMS तीन बंदे तो नहीं चलाएंगे ना, भाई उनके अंडर काम करने वाले और भी तो होंगे, हमले के बंदे जिनको हम कह सकते हैं, तो वो अब वो उनको भी चलो ठीक है, वो इतना ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है या ऐसे समझ लेंगे कंप्यूटर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, DBMS नहीं चला सकते, लेकिन उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। ये थोड़ी है कि वो उनको हम दे देंगे भाई ये DBMS चलाना शुरू कर दें अपने अपने काम जो हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिए फिर ट्रेनर की ज़रूरत। अब ट्रेनर आएगा, वो हमारा जो स्टाफ है बाकी उनको ट्रेनिंग देगा। अब ट्रेनर ट्रेनिंग देने जो आएगा, ट्रेनिंग देगा तो वो अलग से पैसे लेता होता है, मुफ्त में ट्रेनिंग नहीं देगा। अब वो आएगा, वो पूरा DBMS समझाएगा,
और डीबीएमएस में हर एक बंदे का जो काम होगा वो उसको समझाएगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, हमने बैंक का एक डीबीएमएस परचेज किया, अब हमारे अमले के बंदे हैं हम, अब अमले के बंदे मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ ओहदे पे हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, अब उनको हमने कहना है कि आप भी डीबीएमएस बैंक का जो बनाया है इस पर आप अपने अपने काम करेंगे, आपकी फाइलें बनी हुई हैं कैशियर की, मैनेजर की, इस तरह जो दूसरे बाकी हैं एटीएम को कंट्रोल करने वाला, मतलब बहुत सारे जो हैं। अब हर एक बंदे का एक मखसूस काम होता है, अब उसको डीबीएमएस के थ्रू अपने काम को कंट्रोल करना है, तो ट्रेनिंग देंगे पहले तो वो अपने काम अपना काम करेगा कि भाई आपने अपने काम को किस तरह करना है डीबीएमएस के थ्रू। तो स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर हायर करना पड़ता है, और ट्रेनर वो स्टाफ को जो ट्रेनिंग देगा वो भी हमें कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है ट्रेनिंग देने के लिए, और ट्रेनिंग एक आध दिन में नहीं दी जाती, इसका एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। तो ये भी डीबीएमएस का डिसएडवांटेज है कि इसको सिखाने के लिए ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक डीबीएमएस यूज फॉर स्पेसिफिक डीबी, खास डीबीएमएस खास डीबी के लिए बनाए जाते हैं, बैंक का डीबीएमएस बैंक पे चलेगा, वो कॉलेज पे नहीं चलेगा। और वो ये भी याद रखना है, अब एक खास हर इदारे का तो अपना डीबी होता है, अब जितने भी इदारे हैं चाहे आप सेम टाइप के ले लें, बैंक से ले लें, क्या बैंक सेम टाइप के इदारे हैं, क्या तमाम बैंक्स का डाटाबेस एक जैसा होगा? हो ही नहीं सकता। अब एक बैंक है यूबीएल वाले ने अपना डीबीएमएस बनवाया है अपने यूबीएल के डीबी के लिए, क्या वो यूबीएल का डीबीएमएस किसी दूसरी बैंक पे यूज हो सकता है? मिसाल ले तो अल्फला है, अब एक डीबीएमएस बना हुआ है यूबीएल का, वही यूबीएल का डीबीएमएस अल्फला के डीबी पे को चलाए, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अल्फला का डीबी और है, यूबीएल का डीबी और है, यूबीएल के डीबी को कंट्रोल करने के लिए यूबीएल का डीबीएमएस होगा, अल्फला के डीबी को कंट्रोल करने के लिए अल्फला का डीबीएमएस होना चाहिए। अब एक डीबीएमएस से आप मुख्तलिफ किस्म के डीबी कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप ये देने की कोशिश करेंगे तो ये होगा रॉन्ग एनवायरमेंट। मैं यूबीएल के डीबीएमएस को अल्फला के डीबी को कंट्रोल करने के लिए कहूँ या वो चलाऊँ उस पर, हाँ यूबीएल का डीबीएमएस अल्फला के डीबी पे चलाऊँ कि उसको कंट्रोल करो, तो वो रॉन्ग एनवायरमेंट है और रॉन्ग एनवायरमेंट से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, फिर हमें चेंजिंग करनी पड़ती है और डीबी के अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है कि उसको उस टाइप के डीबी को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाए, तो फिर उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो चेंजिंग के लिए फिर अलग से खर्चा, और चेंजिंग फिर ये थोड़े काम कर लेंगे, वो फिर प्रोग्रामर चेंजिंग करता है, फिर प्रोग्रामर को बुलवाएंगे, फिर वो चेंजिंग करेगा, जो चेंजिंग दूसरे डीबी को कंट्रोल कर सके, ऐसी चेंजिंग कि वो दूसरे डीबी पे भी लग सके, तो फिर उसमें चेंजिंग करके करवा सकते, वरना वो अलग से बनवाना पड़ेगा, अब चेंजिंग के लिए फिर पैसे लगेंगे। तो इसलिए रॉन्ग एनवायरनमेंट अगर देंगे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, चेंजिंग लाएंगे, चेंजिंग के लिए फिर अलग से हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और ये भी एक मसला है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है नीड डेटा डिक्शनरी, नीड डेटा डिक्शनरी, डिक्शनरी आल्सो नोन एज रिपोजिटोरी, डिक्शनरी आल्सो नोन एज डायरेक्टरी।
डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज डेटा डिक्शनरी, ये प्रॉपर डेफिनेशन होता है मैंने, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज डेटा डिक्शनरी, डेटे में डेटे की वजाहत हो तो ये डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी आप उठा लें किसी भी चीज़ की, हाँ तो उसमें क्या होता है, डेटा होता है, फिर उस डेटे के अंदर फिर वजाहत होती है डेटे की, मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग, फिर हेडिंग एक एक्सप्लेनेशन होती है। और डिक्शनरी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की है, मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, मोबाइल लेते हैं साथ छोटी सी बुक होती है वो डिक्शनरी होती है, कार लें मोटरसाइकिल लें फ्रिज लें छोटी सी बुक होती है वो डिक्शनरी होती है। और मज़े की बात और मैं आपको बताता जाऊँ, हम खुश होकर वो बुक दे के मुफ्त में मिली है ये अपना है फेंक देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है, 90% से ज़्यादा लोग तो ऐसे करते होंगे, कोई ना कोई पढ़ता वो पता क्या होता, एक तो याद रखना उसके पैसे कटते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हमने लिए अगर मोबाइल हमने लिया 20,000 का तो उसमें वो डिक्शनरी के पैसे वो काट लेते हैं, उसमें ऐड होते हैं, हम वो कहते हैं ऐसे है मुफ्त में है, क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है। और उसमें होता क्या डिक्शनरी में, वो पूरे डाटे की इंफॉर्मेशन, डाटा क्या मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन, मोबाइल का स्ट्रक्चर, मोबाइल की डेफिनेशन, मोबाइल की डिस्क्रिप्शन, मोबाइल को चलाने के रूल्स, मोबाइल का फॉर्मेट, होल इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल डिक्शनरी में होती है। आप वो खोलेंगे फीचर खोलेंगे, अभी कैमरा हेडिंग होगी कैमरे के अंदर, उसकी वजाहत, फिर उसकी मजीद जो कैमरे में चीज़ें हैं कि कितना उसकी रेजोल्यूशन है, कितना वो उसकी वो जो है ना पिक्सल्स हैं, मजीद मतलब जो है वो सारी एक्सप्लेन होगी उसके अंदर, इसको चलाने का तरीका प्रॉपर जो हम देखते नहीं है। तो मतलब ये डिक्शनरी के पैसे कटते होते हैं। और डिक्शनरी में होता क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, डिक्शनरी के फिर नाम क्या है ये भी मैं दोबारा बता देता हूँ, डिक्शनरी को आप रिपोजिटोरी भी कह सकते हैं, इसको डायरेक्टरी भी कहते हैं। हाँ, डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज डाटा डिक्शनरी, डाटे में डाटे की वजह, डाटा डेफिनेशन डिक्शनरी कहते हैं, डाटा डेफिनेशन, डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा फॉर्मेट, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा रूल्स, होल इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा स्टोर इन अ डिक्शनरी, डाटे को डिस्क्राइब डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट उसको चलाने के रूल सारा कुछ बताया जाता है डिक्शनरी में। जैसे एक 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 डाटा टेबल है उसके उसमें फील्ड नेम, फील्ड साइज, फील्ड टाइप, हाँ ये फील्ड के नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसका फील्ड का जो है फॉर्मेट क्या, मतलब होल इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज ऑथराइज एक्सेस ऑफ डाटा। क्या लगना है कि जा इस तरीके से डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो तरीका भी बताता है कि ये दुरुस्त तरीका है डाटा एक्सेस करने का, तो सारी इंफॉर्मेशन डिक्शनरी के अंदर। अब डिक्शनरी फिर वो बात आ गई, डिक्शनरी मुफ्त में नहीं मिलती, डिक्शनरी के पैसे लगते हैं। जब हम एक GPMS खरीदते हैं बनवाते हैं सारी डिक्शनरी भी लाजमी, डिक्शनरी की जरूरत होती है, डिक्शनरी ना हो तो फिर वो हम उसको कैसे चलाएंगे। बैंक का GPMS बनवा तो लिया, ठीक है आ गया GPMS, उसको ट्रेनिंग भी ले ली, ठीक है चला रहे, भूल जाता है कहीं से कोई पार्ट कोई फीचर GPMS का, फिर हमें दोबारा उसको बंदे को बुलवाना पड़ेगा कि हमें बताओ, साथ डिक्शनरी जो बना के देगा GPMS उसको ये भी आर्डर होता है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिक्शनरी बना के दे। डिक्शनरी में वो बताएगा कि इस GPMS के हर एक हिस्से को, हर एक फॉर्मेट को, हर एक एप्लीकेशन को किस तरह चलाना है वो लिखेगा। और डिक्शनरी जो होती है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैनुअल फॉर्म होती है, हर एक चीज़ की वजाहत लिखी गई होती है, एक बुक बना दी जाती है, फिर उसके अलग से पैसे। अब GPMS खरीदा किया है, हाँ एक बैंक का 3 करोड़ का 5 करोड़ का है, तो डिक्शनरी के फिर अलग से पैसे लेंगे, वो जितने चलो लाखों में होगा लेकिन पैसे उसके अलग से होंगे डिक्शनरी के, भी इतने लाख की डिक्शनरी भी साथ देंगे हम आपको, फिर उसमें वजाहत होगी सारी उसको चलाने की, हर एक चीज़ लिखी होगी कि किस तरह चलाना, तो डिक्शनरी भी लाजमी लेनी पड़ती है। फिर इसका खर्चा अलग से, GPMS खरीदे उसके पैसे अलग से बनने, डिक्शनरी के पैसे अलग से बनने पड़ते हैं, तो ये भी वैसे फायदा है डिक्शनरी लेकिन इसके पैसे तो देने पड़ते हैं, तो ये कॉस्टली हो जाता है GPMS।
हम हमारे लिए इसके अंदर और चीज़ें भी हमें परचेज करनी पड़ती है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, आपका ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। और अच्छे तरीके से करना है, पिछले एक आध साल से मैं आपको बताता जाऊँ, हमारे पहले चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रही है। तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट भी काफ़ी सारे हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनती है, लॉन्ग के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जो लॉन्ग जो है ना आ सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2।